सो टूडे वी विली ऑन म्यूचुअल फंड लाइक एड की अभी गवर्नमेंट uh, जो है थोड़ा सा कोल्यूशन uh, की गवर्नमेंट है सो प्रेजेंट टाइम्स में टिल द टाइम्स कुछ पॉलिसी गाइडलाइन जो पहले पॉलिसीज चलती थी वो एक ही साइडेड चलती थी इतना ज्यादा वेलफेयर एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान नहीं रहता था सो नाउ प्रेजेंटली नाउस दर इज अ कोल्यूशन गवर्नमेंट सो आई एम एक्सपेक्टिंग की जो हमारा uh, पहले जो ज्यादा ध्यान था वो था फिजिकल डेफिजिट को कम करने का उसके ऊपर ध्यान रहता था कि हमारा फिजिकल डेफिसिट कैसे कम हो जाए ठीक है अब जो पॉलिसीज रहेंगी दे आर विल बी मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर नाउ इफ दे आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर लाइक जैसे कि अभी हरियाणा में आपके वो वाले, uh, होने वाले हैं इलेक्शन होने वाले हैं डेली में इलेक्शन होने वाले ना हरियाणा में जो मेजर बेल्ट है दिस इज अ फार्मर्स सो वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग इज दैट कि फार्मर्स के ऊपर क्या आ सकता है जो लोन वेवर्स वगैरह है वो आ सकते हैं ठीक है बिकॉज पहले ये सब नहीं देखा जाता था रीजन बींग बिकॉज बीजेपी बीजेपी की सरकार थी सरकार नहीं गिर सकती थी नाउ पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन ठीक है स्टेट इलेक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाएंगे बिकॉज अगर अभी पांच साल तक जो भी विधानसभा के इलेक्शन हो गए उसमें अगर स्टेट स्ट्रांग होगा देन ओनली ट्वेंटी नाइन में दे विल बी एबल टू गेट इट सो फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग लोन वेवर्स वगैरह जो होंगे ये सब होगा अगर ये लोन वेवर्स जो है जो कि फार्मर्स वगैरह को दिया अगर ये सारे लोन वेव कर दिए गए विच है बैंक तो अगर ये लॉसेज राइट ऑफ किए जाएंगे बैंक के थ्रू तो इन सबका जो लॉस है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन टू देअर बैलेंस शीट एज अ वन टाइम राइट ऑफ बैलेंस शीट में अगर रिफ्लेक्ट होगा तो उनका जो ईपीएस है जो हमारी स्टडी है उसके हिसाब से ईपीएस में फर्क आएगा ईपीएस में फर्क आएगा पीई में फर्क आएगा शेयर प्राइस में फर्क आएगा दीज ऑल थिंग्स विल बी को रिलेटेड टू ईच अदर ठीक है एक क्वार्टर में नहीं दिखेगा अगले क्वार्टर में दिखने के चांसेस हो सकते हैं ज्यादा ठीक है सो so जो पॉलिसी गाइडलाइंस है वेलफेयर एक्टिविटीज रैदर देन फोकसिंग टुवर्ड्स फिजिकल डेफिसिट एंड के पैक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करती थी नाउ दे विल भी मोर ऑरियंटेड टुवर्ड्स द रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट एंड रेवेन्यू दिस थिंग जो भी रेवेन्यू जनरेशन आएगा उसको वेलफेयर में करने की कोशिश करेंगे सो so, उसके ऊपर हमारा फिजिकल डेफिसिट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा दो जीडीपी जो है कल आरबीआई ने जीडीपी पहले सात परसेंट था अभी उन्होंने फोरकास्ट जो है है uh, का के आसपास कर दिया इट इज अ गुड थिंग दैट दे हैव इंक्रीज देयर जीडीपी फोरकास्ट बट अगर मान लीजिए एक साल में जीडीपी फोरकास्ट सात पूरा नहीं हो पाता है सो देयर विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द मार्केट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है सो so, टिल टाइम दिस बजट इज नॉट कमिंग जब तक पॉलिसीज में फर्दरेंस नहीं हो रहा टिल द टाइम यू डोंट सी की जो पॉलिसी पहले थी वो पॉलिसी सेम अभी नहीं है सेम चल रही है बाय टाइम उस टाइम तक सबसे बेस्ट टाइम जो है एज ऑफ नाउ एज पर प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो इज टू बिल्ड योर म्यूचुअल फंड ठीक है इफ यू कैन नॉट डू डेली डेली आई वुड रिकमेंड डेली आप करिए डेली भी कर सकते, also, also, कर सकते हैं क्वार्टरली तो बहुत नाउ द क्वेश्चन कम्स अराउंड वट इज द डिफरेंस बिटवीन एस एंड जो आप बल्क में डालते हैं ठीक है सो देर वॉज अ स्टडी विच वॉज टेकन आर्ट उसमें क्या था पहले मैं एस आई पीज की बात करता हूँ एस में होता है कि भाई आप डेली डाले वीकली डाले फोर्ट डाले मंथली डाले सो so, देर वॉज अ स्टडी विच है क्या था कि जो मार्केट में फ्लक्च होते हैं ठीक है तो एक डेटा लिया गया था जिस दिन मंथ के एक पर्टिकुलर डे में जब मार्केट लोएस्ट पॉइंट पर था ठीक है एंड ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ तो इस टाइप से दो एस आई पी करी गई ठीक है फॉर अ पीरियड ऑफ टेन ईयर्स आई गेट्स ठीक है जब महीने के एक पर्टिकुलर टाइम पे मंथ के लोएस्ट पर था उस टाइम पर एस की गई वो कोई भी दिन हो सकता है महीने का एंड फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ जो कि स्टैटिक था कि भाई फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आई विल बी डूइंग विलइंग दी देर इज नो डिविएशन टू दैट सो इन दोनों में जो डिफरेंस आया आफ्टर टेन ईयर्स वॉज हार्डली टू ईर वन टू टू परसेंट सी ए जी आर का फर्क आया था इतना ही फर्क आया था उससे ज्यादा फर्क नहीं आया सो द स्टडी सेड सेड से पीपल ट्राई टू टाइम द मार्केट ठीक है सो यू शुड नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट नो वन कैन ठीक है ये तो स्टडी थी इसलिए उन्होंने एस आई पी को लोएस्ट पॉइंट पर ले लिया एंड इसको फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ ले लिया सो दैट इज द थिंग इट हैड हैपेंड सो यू जस्ट कैन नॉट टाइम द मार्केट सो वॉट इज द बेस्ट थिंग इफ यू आर गोइंग फॉर एस आई पी इज जस्ट क्लोज योर आइज स्टार्ट डूइंग एट फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ सेकंड ऑफ एवरी मंथ थर्ड फोर्थ फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ एज पर योर जो भी आपका सैलरी आता है वॉट एवर द थिंग इट मे बी सो so, उसके बेसिस पे यू ट्राई टू डू दैट पीपल ट्राई कि यार अभी ना म्यूचुअल ये बहुत ऊपर चल चल रहा है, cap, uh, index, चल रहा है है मिड मिड कैप इंडेक्स इंडेक्स ऑल टाइम हाई तो अभी मैं में नहीं डालूंगा ठीक है जो अभी आपके uh, ये चल रहे निफ्टी बैंक निफ्टी जो ऊपर चल रहे हैं ये अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं तो मैं ईटीएफ में जो कर रहा हूँ ठीक है फंड्स में जो मैं कर रहा हूँ एस आई पी कर रहा हूँ ये मैं नहीं करूंगा या बीज में जो मैं एस आई पी कर रहा हूँ ये मैं नहीं करूंगा क्यों क्योंकि अभी बहुत ज्यादा या फिर इंडेक्स जो है इंडेक्स फंड्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई चल रहे हैं अभी सारे के सारे इंडेक्स तो मैं इंडेक्स फंड्स में एसआईपी नहीं करूंगा सो डो ट्राई टू टाइम दिस मार्केट ठीक है कि मैं इस महीने की छोड़ देता हूं नेक्स्ट महीने कम हो जाएगा तब मैं उसको कर दूंगा डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट जस्ट फॉलो द प्रिंसिपल वॉट यू आर बीन फॉलोइंग फॉलोइंगट यू हैव बीन हैंथ सेकंड ऑफ एवरी मंथ पिक अ डेट ठीक है एंड जस्ट कीप ऑन इन्वेस्टिंग ब्लाइंडली एस का सबसे अच्छा काम यही होता है एस आई पी से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ठीक है सो दिस वॉज एसआईपी ठीक है उसके बाद एक होता है बल्क अब आप एस आई पी या तो डेली कई ट्रेडर्स हैं जो आपका एफ एन ओ में जितना प्रॉफिट होता है जो इक्विटी में अभी इतना नहीं घुसे हैं ठीक है जिनको इतना इक्विटी नहीं आता बट दे आर एबल टू गेट एफ एन ओ दे आर एबल टू गेट प्रोफिट्स फ्रॉम एफ एन ओ बट इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग वगैरह में दे आर नॉट थ्रू सो इट इज नॉट अ बैड थिंग द मेन थिंग वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट इज रिटर्न इफ यू आर नॉट गुड एट इक्विटी डोंट इन्वेस्ट इन इक्विटी टू नॉट इन्वेस्ट इन इक्विटी ट्राई टू इन्वेस्ट इन जो आपका एफ एनो प्रॉफिट आएगा उसको म्यूचुअल फंड में डालिए एसआईपीज में डालिए मेरा क्या कंसेप्ट है आप इक्विटी बाय करिए इक्विटी को कोलेट्रल चलाइए कोलेट्रल से एफ एनो करिए सेम थिंग कैन बी हैपन फ्रॉम म्यूचुअल फंड ऑल्सो यू बाय म्यूचुअल फंड केवल एंजल वन में नहीं मिलता अदरवाइज जीरो एलिस ब्लू अपटॉक्स इन सब में आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है अरवाइज एंजल वन में निफ्टी बीज वगैरह पर आपको इजिली जो लिक्विड बीज है उसमें आपको इजिली कोलेट्रल मिल जाता है सो यू बाय म्यूचुअल फंड पुट म्यूचुअल फंडट्रल एंड टेक एफ एनो and do FN so FNO से जो profit आएगा you put it in mutual funds and mutual funds by far are the safest options they come with a risk that there is a inherent risk of market uh, in these mutual funds जो भी आपने ad देखा होगा but that risk is minimal this risk is for those people जो छह महीने या एक साल के अंदर सोचते हैं कि भाई म्युचुअल फंड में हम पैसा लगा और फटाक से पैसा मिल रहा है 5 10 percent 12 percent no it is never going to happen

एज वेल इन ओके सो वी वर टॉकिंग अबाउट एस आई पी फर्स्ट ठीक है नाउ आई सेट की द टाइम फ्रेम इज फाइव टू टेन ईयर्स और टेन ईयर्स मिनिमम इसका रीजन ये होता है दैट पांच से दस साल में आपका कॉर्पस जो है म्यूचुअल फंड में वो बहुत बढ़ जाता है कॉर्पस का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है म्यूचुअल फंड में वाई बिकॉज म्यूचुअल फंड वर्क ऑन अ प्रिंसिपल कॉल्ड सी ए जी आर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ठीक है ना बिफोर वी गो एड इन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वी हैव टू अंडरस्टैंड रूल ऑफ सेवेंटी ठीक है आप लोगों ने काफी ये सुना भी होगा रूल ऑफ सेवन देन देर इज अ रूल ऑफ वन वन फोर देर इज अ रूल ऑफ वन फोर्टी होता है ठीक है सो दिस इज दैट ठीक है सो रूल ऑफ सेवन टू रूल ऑफ वन वन फोर एंड रूल ऑफ वन फोर्टी फोर वट डीकेट इट इम्प्लीकेट रूल ऑफ सेवन टू इज डबल रूल ऑफ वन वन फोर इज ट्रिपल आप लोग लिख लीजिए ध्यान दीजिए ये चीज काफी काम आएगी एंड रूल ऑफ वन फोर्टी फोर इज ठीक है यानी कि टाइम्स नाउ वूल ऑफ सेवेंटी टू सुपोज योर सी ए जी आर आपका जो सीएजीआर ए जी आर है हम एकवन फिगर uh, ले, ले लेते हैं आई टे ट्वेंटी फोर परसेंट ठीक है कि अगर मान लो आप बिकॉज अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको 24 30 परसेंट से ज्यादा मिलता है ठीक है सो दैट इज वाई एम टेकिंग अ सेफ फिगर 24 24 इज आल्सो 2 परसेंट पर एनएम अगर पर मंथ अगर आप कमाएंगे विच इज मोर देन इनफ इट विल कंपाउंड टू ट्वेंटी पर एनएम विच इज मोर देन एनफ सो आई एम टेकिंग 24%, annum, so 24 आप हर साल अपने कैपिटल पे प्रॉफिट कमा रहे हैं ठीक है ट्वेंटी फोर परसेंट का मतलब हो गया आपने फर्स्ट ईयर में 24 कमाया सेकंड ईयर में जो आपका कैपिटल था उसपे ट्वेंटी फोर हाउ डज इट वर्क इट वर्क इन दिस वे सपोज यू हैव वन लाख रुपीज एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर यू आर मेकिंग ट्वेंटी फोर परसेंट सो वॉट इज गोइंग टू हैपन दिस विल बिकम है ठीक है दिस इज योर फर्स्ट ईयर ट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यानी कि स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर में यू विल ऑफ वन पॉइंट टू फोर लैक सी एज से दोबारा कैलकुलेटेड ऑन पॉइंट टू फोर नॉट ऑन वन लाख ये वन लाख पे काउंट नहीं होगा दिस विल भी काउंटेड ऑन वन पॉइंट टू फोर सो ये वन पॉइंट टू फोर पे अगर काउंट होगा ट्वेंटी फोर फोर्टी सिक्सटी सेवेंटी के आसपास अराउंड मान लेता हूं 1.70 लाख के आसपास आपका आ जाएगा इस पे आपने दोबारा 24 परसेंट लगाया नाउ दिस 24 परसेंट जो है वी हैव टेकन अ फिक्स्ड CAGR ऑफ ट्वेंटी फोर परसेंट की सर आप एक लाख रुपए पे चौबीस परसेंट हर साल बना ले रहे हो इस साल फर्स्ट ईयर में भी बनाया सेकंड ईयर में भी बनाया और ये थर्ड ईयर की जो स्टार्टिंग थी उसमें आपके पास एक लाख सत्तर हजार थे एक लाख से इतना हो गया एंड आपने फिर से बनाया एक सत्तर पर आप दोबारा ट्वेंटी थर्ड ईयर पे लगाओगे सो इट विल क्रॉस टू लाख रुपीज सो वन लैख से आपका टू लैख हो गया how much you have done 24 CAGR in first year 24 CAGR in second year 24 CAGR in third year तो आपका ये दिस कैन यू कैन कैलकुलेट कि 24% रिटर्न मैंने एक साल में बनाया सेकंड ईयर में भी मैंने 24% रिटर्न बनाया एंड थर्ड ईयर में भी 24 बनाया अब हो सकता है ये 20 हो ये 28 हो और ये 24 हो सो so एवरेज CAGR वुड कम अराउंड 24% एंड within three years with 24% you have doubled your capital from 1 lakh to 2 lakh so the rule of 72 says that if you divide 72 by the cagr annual growth rate up which is 24 so the time frame that comes 24 divided by 72 is 3 so the time that the thing that comes would be the time period to double your इन्वेस्टमेंट ठीक है सेवेंटी टू डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर तीन साल लगेंगे आप अगर बार चौबीस नहीं कमाते ठीक है आप थोड़ा स्लो करना चाहते हैं आप ट्वेल्व परसेंट करना चाहते हैं तो सेवेंटी टू डिडेड बाई ट्वेल्व ट्वेल्व सेवेंटी टू इट विल टेक सिक्स टू डबल योर कैपिटल हाउ मच बैंक आर गिविंग यू सेवनटी टू डिवाइडेड बाय सेवन टेन ईयर्स स में बैंक्स आपका कैपिटल डबल करके देते हैं एफ में ठीक है सो एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर एबल टू डबल योर कैपिटल इंस्टेड ऑफ टेन ईयर्स टू सिक्स इन इवन दो इफ यू अर्न वन परसेंट पर मंथ हैव यू बीटन द बैंक्स हैव यू बीटन द बेस्ट

ये वैल्यू फॉर मनी यस वैल्यू फॉर मनी बिकॉज मैंने छह साल में अपना कैपिटल डबल कर दिया विच बैंक वुड टेक टेन ईयर एंड ट्रस्ट मी बैंक अगर आपको दस साल में पैसा डबल करके दे रहे हैं ये जो बैंक्स हैं, आपके पैसे का फोर टाइम्स ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें से आपको वन पार्ट दे रहे हैं सो वॉट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर कैपिटल इज एक्चुअली वन फोर्थ ऑफ द वैल्यू क्योंकि बैंक चार टाइम्स आपका अगर आपने एक लाख दिया है तो एक लाख का वो दस साल में चार लाख बना देगा लेकिन आपको केवल एक लाख का प्रॉफिट ही देगा उसके पास कितना रह गया तीन लाख का प्रॉफिट रह गया तो ही इज इन फैक्ट गेटिंग वन बाय फोर्थ वैल्यू ऑफ योर मनी सो वैल्यू फॉर मनी आपने जो कमाई वो क्या है फेंटेस्टिक आप वन फोर्थ नहीं ले रहे हो आप डबल कर रहे हो अपनी वैल्यू सिक्स ईयर्स में ंग फोर इयर्स चार साल और लगाओगे तो ये भी डबल हो जाएगी ठीक है दिस इज द ब्यूटी ऑफ सी ए जी आर ठीक है सो so ये होता है सीएजीआर का कंसेप्ट नाउ ये ओह आई एम सॉरी ओके सो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि सीएजीआर क्या होता है नाओ वी विल डू क्वाड्रपल एंड ये वाला कंसेप्ट ठीक है जो CAGR समझ गया स्टॉक मार्केट में सर वो स्टॉक मार्केट को खेल जाएगा ये मैं आपको राइटिंग में दे रहा हूं ठीक है जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो भी बड़े बड़े लोग हैं चार्ली मुंगर आप कह लीजिए पीटर लेंच आप कह लीजिए वॉरन बुफे आप कह लीजिए दे ऑल अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ इसका सीएजीआर वॉरन बुफे ये मैंने कहीं पढ़ा था In 1968 और 1969 और 70 के 68 या 70 के आसपास आसपास या अपने investors को लेटर इन विच ही रिगार्डिंग मैनहट्टन आइलैंड ठीक है इट गिव्स यू अ ब्रीफ कंसेप्ट अबाउट सीएजीआर इसके ऊपर एक आ, 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 एक अच्छे इन्वेस्टर है प्रब, मोनीश प्रबल देसाई समथिंग नेम इज देयर उसने भी एक इसको कवर करा है सो इफ यू गाइस हैव नॉट सीन इट यू कैन सी वॉर मैन हेटन आइलैंड स्पीच ऑन सीएजीआर इसको आप टाइप करेंगे तो यू विल गेट दिस थिंग इसकी स्टडी पढ़िए यू विल रियलाइज की हाउ ब्यूटिफुल दिस सीएजीआर ए कंसेप्ट इज आज की डेट में इफ यू गाइज मे नॉट बी रिच बट बिलीव यू मी इफ यू अंडरस्टूड अ कंसेप्ट ऑफ सीएजीआर नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर हंड्रेड इयर्स वुड बी कैन बी द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ दिस इज द ब्यूटी ऑफ सी एर ठीक है सो ये जब आप वो स्टडी पढ़ेंगे जो मैंने अभी आपको बताया मैनहेटन uh, इसका वॉरन uh, बुफे का जो था उसमें यू विल रियलाइज नाउ वी विल कम ऑन टू द रूल ऑफ सेवेंटी टू सो सेवेंटी टू में इफ यू आर टेकिंग ट्वेंटी फोर सी ए जी आर यू विल बी डबलिंग योर कैपिटल इन हाउ मच यूर्स थ्री 114. Why? This is 72 divided by 100. Uh, sorry, 72 divided by 24. That comes out of three years. Now tripling your money, 114 divided by 72. That comes around how much? Let me just calculate. 114 divided by 72. No, not 72, sorry. 24. 24. 114 divided by 24. It is coming around 4.7 years. Almost half.

तीन साल यानी टेंटी फोर ट्वेंटी फोर स्टार्टिंग में डाले थे 24, 25, 26. 2026 में 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 ,00 ठीक है 1 ,00 रुपीस, जो कि टू थाउजेंड थर्टी होगा दिस विल बिकम हाउ मच क्वार्टरबल फोर टाइम्स फोर लाख सो दिस विल बिकम फोर लाख रुपीज नाउ सी दिस ट्वेंटी फोर में व गॉट हाउ मच वन लाख रुपीज ट्वेंटी सिक्स में ट्वेंटी थर्टी में यू हैव गोट हाउ मच फोर लाख रुपीस में टू थाउजेंड थर्टी सिक्स में यू विल गेट एट लाख बिकॉज ऑफ सॉरी नॉट थर्टी सिक्स टू थाउजेंड थर्टी थ्री में टू थाउजेंड थर्टी थ्री में यू विल गेट एट लाख क्योंकि चार लाख का अब डबल हो रहा है टू थाउजेंड थर्टी सिक्स में गेट हाउ मच एट सॉरी एट सिक्सटीन सिक्सटीन लैख्स ये छह साल में फोर टाइम्स हो रहा है एंड तीन साल में डबल हो रहा है ठीक है टू थाउजेंड फोर्टी टू में यू विल है फोर टाइम्स कितना हो गया सिक्सटीन फोर जैसटी फोर लैक्स टू थाउजेंड फोर्टी एट में यू विल गेट सिक्सटी फोर लैख का हाउ मच फोर लाख का आप फोर टाइम्स कर लीजिए एक सौ बारह दो करोस 2048 दो 2000 चौबीस टू पॉइंट टू फोर 2054 टू थाउजेंड फोर्टी एट से टू थाउजेंड सिक्स आ गया हाउ मच फोर टू जट एंड लाइक टाइम्स एट ऑलमोस्ट नाइन करोर्स के आसपास टू थाउजेंड में यू विल गेट हाउ मच नाइन फोर जा थर्टी सिक्स टू थाउजेंड सिक्स में थर्टी सिक्स का फोर टाइम्स सो दैट्स इट वील कीप इट हेयर ओनली बिकॉज आज की डेट में अगर दस करोड़ भी हैं तो इट इज मोर देन सो हाउ मच ईयर्स यू टुक ट्वेंटी फोर थर्टी फोर फोर्टी फोर फिफ्टी फोर सिक्सटी फोर फोर्टी ईयर में You will get a corpus of 134 crores if you start today with one lakh and you do not invest any other money from 24 till 2066. What is the beauty? Beauty is CAGR. Why I said that you may not be rich today, but if you understood the concept of CAGR, your next generations would never. would require to work. मनी टू थाउजेंड सिक्स के बाद टू थाउजेंड सेवेंटी टू में यू गेट फोर टाइम्स करोड़ टू थाउजेंड से टू थाउजेंड सेवेंटी एट में you will get टू थाउजेंड करोड़ ठीक है ये words सिर्फ सुनने में बहुत वो लग रहे हैं. लेकिन सर you have to start today. जब आप लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया था मेरी फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था डू नॉट सी योर सेल्फ एज अ ट्रेडर एज ऑन टूडे यू सी योर सेल्फ एज अ ट्रेडर आफ्टर एटलीस्ट फाइव इयर्स टेन ईयर्स तब तक आप ये सीएजीआर के कंसेप्ट को घोट के पी जाओगे यू विल रियलाइज वाई म्यूचुअल फंड कॉर्पस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज द रीजन वाई म्यूचुअल फंड कॉर्पस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप इक्विटी मत करिए इक्विटी में ग्रोथ नहीं है नो no, ऐसा नहीं है इक्विटी में ग्रोथ है बट टिल द टाइम यू आर नॉट गेटिंग ट्यून्ड टू इट जब तक आप ऐसी हाईली अंडर वैल्यूड इक्विटी को ना उठाने के सक्षम रह मतलब सक्षम नहीं हो जाते वॉट इज स्टॉपिंग यू टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स मैंने आप लोगों को बताया कि आपको मिनिमम फाइव टू सिक्स इयर्स या फिर टेन इयर्स चाहिए अपना कॉर्पस बिल्ड करने के लिए आई दैट सी दिस पहला आपका जो एक लाख से चार लाख आया उसमें आपको छह साल लगे ठीक है 2030 से 2033 में आपके चार लाख से आठ लाख हो गए ठीक है आप कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ठीक है आपके यहां हो गए 33 के बाद छत्तीस में आपके विद इन टेन ईयर सोलह लाख हो गए ठीक है नाउ सी दिस इसके बाद 36 के बाद जब आपका अच्छा खासा कैपिटल हो गया है ठीक है एंड योर सी एर इन थर्टी सिक्स के बाद या फोर्टी टू इनफैक्ट फोर्टी टू के बाद जब आपका सिक्सटी फोर लैक्स है इस साल पे आपका जब कॉर्पस अच्छा खासा इकट्ठा हो गया है आप हर साल एवरी ईयर योर कैपिटल विल गेट डबल्ड हर साल आपका कैपिटल डबल होगा हर साल दैट इज द ब्यूटी ऑफ सी एजीआर ठीक है एक बार आपने कॉरपस पकड़ लिया आपने एक करोड़ का कैसे कैसे करके रो धोके करके कॉर्पस इकट्ठा कर दिया आफ्टर फाइव ईयर्स योर कैपिटल विल गेट डबल्ड एवरी ईयर बिकॉज जो चार साल का डिफरेंस होगा ना फोर टाइम्स वो बहुत ज्यादा हो जाएगा ठीक है एंड ये हमने कब सोचा है जब हमारे पास मात्र ट्वेंटी फोर परसेंट का सीएजीआर है अभी मैं जब आपको अपने म्यूचुअल फंड्स दिखाऊंगा तब यू विल रियलाइज कि ये तो बहुत कम है चौबीस परसेंट तो हमने बहुत कम लिया है ठीक है सो यू विल रियलाइज दिस अगर आप पांच साल या दस साल का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं दिस सी इज मिनिमम थर्टी थर्टी परसेंट बहुत होता है भैया यानी कि एवरी टू इयर्स योर कैपिटल विल विल गेट गेट डबल एंड साल साल के बाद आपका हर कैपिटल डबल होगा एंड दिस ऑल इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ है ठीक है ना ये तो मैंने आप लोगों को बताया सी ए जी आर का कंसेप्ट हाउ कैन आई डिप्लॉय दिस सी ए जी आर कंसेप्ट इन टू टू पार्ट एस आई पीज एंड बल्क अब लोग पूछते हैं कि सर बल्क करें या एस करें आप एक चीज बताइए ध्यान दीजिए आप बारह एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ नौ दस ग्यारह और बारह बारह पार्ट्स में आपने दस हजार रुपए डिवाइड कर दिए दस हजार दस हजार एंड सो ऑन दस हजार दस हजार तो जो एट द एंड ऑफ द डे कभी भी एक साल का सीएजीआर जो होता है उसको काउंट नहीं करते बिकॉज आर के लिए यू शुड गिव मिनिमम टू इयर्स ताकि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बिकॉज कंपाउंड तो होने दीजिए उसको टिल द टाइम इट इज नॉट कंपाउंडिंग तब तक यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एस में जो होता है दैट इज एक्स आई आर आर विच इज कॉल्ड एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ठीक है इसके बारे में हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में इसका मैं आपको एग्जांपल देके दिखाऊंगा उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी अदरवाइज इट मे गेट कंफ्यूज सो so, अगर हम एस कर रहे हैं तो एस में एक्स आई आर आर इज अ बेस्ट थिंग एक्स आई आर आर मुझे बताएगा व्हाट इज माय एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर आपका एक साल से कम है एक साल से ज्यादा है दो साल तीन साल चार साल है देन सी एजीआर कैन प्ले अ गुड रोल इन इट ठीक है इफ यू प्लान टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड एंड थिंकिंग एक साल से पहले पैसे निकाल लेने हैं तो यू हैव टू सी एक्स आई आर आर यू कैन नॉट सी योर अगर आप एस आई पी करें तो आपका CAGR कैसे होगा पहले आपका प्रॉफिट आया उतना आ गया। क्योंकि नेट एसेट वैल्यू ठीक है, है Value, तो ये एनएवी मार्केट के डाउन हिसाब से जैसे आपका इक्विटी का प्राइस ऊपर नीचे चलता है वैसे ही म्यूचुअल जो होता है वो एस एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू वो ऊपर नीचे होता रहता है फर्स्ट so मंथ में हो सकता है एनएवी नीचे गिरा हुआ सेकेंड मंथ में एनएवी ऊपर चला गया मान लीजिए दस रुपए था फर्स्ट मंथ में फर्स्ट मंथ में दस रुपए था सेकेंड मंथ में बारह आ गया तो आपको दस रुपए से बारह पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया बारह पे आपने फिर से बाय करा आपका एवरेज हो गया एस आई पी बारह से चौदह चला गया जो दस पे था उसका चौदह पे प्रॉफिट दस रुपए से चौदह जो चला गया था आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो था उस उसपे चौदह रुपए पर गया तो आपका फोर्टी परसेंट का प्रॉफिट हो गया बारह से चौदह पर गया इस पर टेन परसेंट का प्रॉफिट हुआ आपने थर्ड बाय करा चौदह रुपए पर ये चौदह से वापस दस आ गया तो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जीरो प्रॉफिट जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे था आपका माइनस ट्वेंटी परसेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट पे आपका माइनस फोर्टी परसेंट फिर दस से चौदह चला गया ठीक है तो थर्ड इंस्टॉलमेंट पे जीरो फर्स्ट इंस्टॉल तो दिस इज ए कॉम्प्लेक्सर ठीक है कि हाउ सी एर एंड हाउस दो इंटरमीडियंट इन्वेस्टमेंट जो कि आप एस आई पी के तौर पर करते हैं ठीक है सीएजीआर एक साल से ज्यादा का टाइम फ्रेम होना चाहिए सीएजीआर वेलकम इन टू फ्री नाउ यू सी दिस आप सी एजीआर इस पे कब लगेगा हर रोज अलग, अलग 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 आप इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे इस टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे तो अलग 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 होके आपका सीएजीआर विल कम इन टू इफेक्ट बल्क में आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करा पूरे साल के लिए ठीक है दो दिस इज अ गुड मेथड बिकॉज इसमें क्या होगा आप जो वेरिएशन है इनको आप कैप्चर कर पाएंगे कि अगर मान लो दस रुपए पे गया तो पकड़ा बारह पे पकड़ा फिर चौदह पे पकड़ा फिर दस पे आया दोबारा पकड़ा फिर सोलह पे पकड़ा फिर नौ पर आया पकड़ा तो उंट वुड बी एन एवरेज अमाउंट इफ यू डू बल्क इन्वेस्टिंग तो आपने एक ही बार बल्क इन्वेस्ट कर दिया एंड सी ए जी आर विल स्टार्ट प्लेइंग इट्स रोल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स वाई बिकॉज योर कॉर्पस है आप यहां पर दस हजार डाल रहे हो क्या प्रॉफिट आएगा कुछ नहीं आएगा आप यहां पर वन पॉइंट टू लाख डाल दिया इस दिन एनएवी दस था एक साल में अगर एन एव बारह भी पहुंच गया खत्म होते होते यू विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट एक साल में आपको बीस परसेंट का प्रॉफिट मिल जाएगा ठीक है इन्वेस्टमेंट so ठीक है इन्वेस्टमेंट पे फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में आपको एक्स आई आर आर वु बेस्ट दिस थिंग बिकॉज फर्स्ट ईयर में सी एजीआर नहीं आता नेक्स्ट ईयर में आपको इसमें बीस परसेंट का मिल गया रिटर्न एक लाख बीस हजार से आपका जो भी हुआ एक लाख से एक बीस हो गया तो बीस परसेंट सो योर सी एज ट्वेंटी परसेंट योर एब्सोल्यूट रिटर्न जो आपके कैपिटल पे आपको मिल रहा है यू से इज ट्वेंटी परसेंट फर्स्ट ईयर में ऑल वुड बी मोर लेस सेम ठीक है थोड़ा बहुत फर्क आएगा बिकॉज कई बार क्या होता है जैसे आपने एक लाख रुपए दिया तो कई बार क्या होता है अगर दस एन पर खरीदा और ये बारह गया तो म्यूचुअल फंड ने क्या पता कुछ स्टॉक्स रिलीज uh, uh, कर दिए तो उसका प्रॉफिट आपके इसमें ऐड हो जाता है फिर दोबारा से वो आपके म्यूचुअल फंड से एनएवी खरीद लेंगे तो दिस इज हाउ सी एर इज कैलकुलेटेड ठीक है लेकिन एक्स आई आर आर जो होगा वो एग्जैक्ट आपका कितना वो था कैपिटल था उसके ऊपर लगेगा दैट इज वाई सी एजीआर एंड एक्स आई आर 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 बहुत डिफरेंट ठीक है सो फर्स्ट ईयर में मोर और लेस तीनों के तीनों आपके सेम रहेंगे लेकिन सेकेंड ईयर में आपको दोबारा से ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट मिला तो योर योर एब्सोल्यूट रिटर्न वुड बिकम हाउ मच ट्वेंटी मिला था ये 20 मिला तो रिटर्न आपने कितना कैपिटल डाला था आज कितना तो वो रहता है आपका एक लाख एक लाख पे पहले आपका बीस परसेंट का प्रॉफिट मिला तो वो हो गया एक पॉइंट बीस लाख लाख फिर इसके ऊपर दोबारा बीस परसेंट का प्रॉफिट मिला तो आपका वन पॉइंट जो भी होगा लाख तो लाख आपका प्रॉफिट हो गया ये तो आपका सीएजीआर में ट्वेंटी परसेंट सेकेंड ईयर में ट्वेंटी परसेंट बट एक्स आई आर आर वुड बी एक्जैक्टली हाउ मच इज द डिफरेंस मतलब एक लाख से आपका कितना हुआ अगर ये बीस हजार का जो प्रॉफिट था प्रॉफिट के ऊपर जो मुझे प्रॉफिट मिला है वो मैं हटा दू तो दैट वुड बी काउंटेड बाय

एक किंग था एक किंग uh, के पास एक uh, uh, साधु आया उसने कहा कि मुझे uh, वो चाहिए आई वॉन्ट यू हैव टू गिव मी समिंग तुझे जो चाहिए तू ले ले तो उसने कहा ठीक है मेरे को चावल के दाने दे दो एंड मैं हर उस पे ये चावल का दाना डबल करता जाऊंगा और लास्ट में जो बचेगा उतनी जमीन मुझे चाहिए तो उसने कहा अरे तो कुछ भी नहीं है ये तो हम तेरे को दे देंगे तो उसने क्या करा पहले एक दाना लिया फिर उस उसपे एक और दाना डाला वो दो हो गए फिर उसपे एक और दाना डाला वो चार हो गए फिर उसपे चार दाने डाले वो आठ हो गए फिर उसके ऊपर आठ दाने डाले वो सोलह हो गए फिर सोलह पे बत्तीस करते 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 सी करते, करते करते उसने न जाने कितनी जमीन उसे आ, किंग से हड़प ली सो दिस इज द इस स्टोरी से स्टार्ट होता है सी का कंसेप्ट ठीक है सो इफ यू आर टाइम फ्रेम इन म्यूचुअल इज फाइव इयर्स और मिनिमम टेन इयर्स थिंक ऑफ सी बिकॉज ये आपका कैपिटल दस साल में इतना बना देगा कि आप हर साल अपना सिर्फ आप मान लीजिए अगर आपका एक करोड़ का कैपिटल हो जाता है हर साल आपका थर्टी लाख का प्रॉफिट आएगा ही आएगा नो वन कैन टेक इट आउट फ्रॉम फ्रॉम योर पॉकेट जस्ट विदड्रो दिस थर्टी लैख एवरी ईयर एंड एंजॉय योर एंटायर ईयर कीप वन लैख वन करोड़ इन योर म्यूचुअल फंड जो पड़ा है उसे पड़े रहें दो दिस इज हाउ यू विल अर्न मनी ठीक है आपका महीने आपका पूरे साल का खर्चा चल गया तीस लाख का एक करोड़ आपको म्यूचुअल फंड में पड़ा है बाय नाउ दीज आर दीज थिंग्स फॉल्स इन टू अंसेप्ट कॉल्ड रिटायरमेंट प्लान जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं दे सेल दीज स्कीम्स एज रिटायरमेंट प्लान टू पीपल हु आर इन फ्यू लास्ट ईयर ऑफ देयर सर्विस ये म्यूचुअल फंड्स उनको बेचे जाते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम क्या है एज़ एन इन्वेस्टमेंट एज़ अ रिटायरमेंट प्लान इन प्लांट्स को देना इफ योर रिस्क एपेटाइट इज गुड दैट्स गुड यू कैन गो अप हाँ। बात आती है कि भाई अभी हमने एसआईपी का पढ़ लिया हमने बल्क का पढ़ लिया कि बल्क में फायदा ही होगा फ्रॉम डे 1 आपका सीएजीआर स्टार्ट हो जाएगा एसआईपी में मार्केट आपको एक साल लगेगा कॉर्पस बिल्ड करने में फिर उसके ऊपर लगेगा बट बल्क में डे वन से आपका सीएजीआर स्टार्ट हो जाएगा सो वेन एवर यू सी देर इज अ शार्प फॉल इन मार्केट जब भी शार्प फॉल आता है तो बल्क म्यूचुअल फंड यूनिट्स बॉट होती हैं ठीक है थेके? अभी न्यूज आ रहा था कि जो अभी मार्केट मंडे या ट्यूजडे को जो मार्केट बहुत बुरी तरह गिरा था तो जो म्यूचुअल फंड हाउसेस थे या फिर जो एफपीआई या एच इन्वेस्टर्स थे दे कुड नॉट बाय म्यूचुअल फंड्स बिकॉज ऑफ द कुछ एरर हुआ था ठीक है कुछ टेक्निकल ग्लिच वॉज देयर फ्रॉ एन एस सी और फ्रॉम द ब्रोकर बल्कि बल्क बाय इन दैट बिकॉज दूट मार्केट फॉलन शार्पली इट मेर सी अल बैक तो ये जो पुल बैक का एरिया है वो म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा उनको मिल जाएगा दिस इज वॉट देवर प्लानिंग टू सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एस आई पी एंड बल्क टाइम फ्रेम इज योर याइवर्स एंड टेन ईयर टू बिल्ड योर कॉर्पस एंड द ब्यूटी ऑफ ठीक है एंड टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड म्यूचुअल आप एक करोड़ अपना कॉर्पस इकट्ठा करिए फॉर नेक्स्ट टेन ईयर हर साल आपको चौबीस से तीस लाख रुपए दस साल के बाद मिलते जाएंगे कीप योर कॉर्पस विद इन द म्यूचुअल फंड एंड कीप टेकिंग दिस मनी आउट दैट्स ऑल दस साल एक करोड़ हो गया ऐसा क्यूं? इसलिए होता है बिकॉज दस साल से जो आप बाय कर रहे हैं आपका एन एवी वुड बी एट सच अ वेल्यू की वो एवरेज जो होगा अगर मान लीजिए टॉप चल रहा है सत्तर का तो आपका एन एवी तीस या पैंतीस के आस पास ही होगा अगर आपने एस आई पी भी कंटिन्यूअस दस साल तक किया है तो बिकॉज यू हैव इट एट वेरी लो लेवल मस्ट हैव इट एट वेरी लो लेवल ठीक है तीस पैंतीस नहीं होगा तो चलो ठीक है भाई पचास होगा देन ऑल्सो ट्वेंटी पॉइंट का एन एवी के बीच में डिफरेंस होगा योर योर कैपिटल विल कीप ऑन ग्रोइंग एवरी इयर यू कैन टेक इट आउट नाउ रिटायरमेंट प्लान इज बींग सोल्ड एज पर द रिस्क प्रोफाइल और रिस्क एपिटाइट ऑफ अ पर्सन मैं आप सबको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ बिफोर आई टेक यू टू माय कॉइन माय जो म्यूचुअल फंड्स का मेरा है समरी ठीक है आई हैव टू प्रो इसके बारे में बाद में बताऊंगा व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज यू शुड नो इफ यू आर गेटिंग इन टू म्यूचुअल फंड शुड नो वॉट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इज हाउ आई हैव स्टडीड एंड दैट इज वॉट आई एम टेलिंग आई एम ओके इफ समी डिफर्स फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दे है ओपिनियन आई हैव नो इश्यूज दैट बिकॉज दीज आर माई ओन पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सनल लर्निंग बाउट द मार्केट एंड म्यूचुअल फंड ठीक है सो दिसंब ऑफ डिस्कलेम रिस्क एपेटाइट कैसे होता है भैया अगर आपका रिस्क एपेटाइट है इफ यू है टाइम फ्रेम टेन इफ यू वॉन्ट टू सी ग्रोथ गो इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप इफ योर रिस्क एपेटाइट इज लो ठीक है इफ यूर एक्स रिस्क एपेटाइट इज लो यू कैन गो इन लार्ज कैप एंड मिड कैप इफ यू विश अदरवाइज सोलेली इन लार्ज कैप और इंडेक्स फंड इंडेक्स फंड ठीक है दिस इज दिस इज हाई रिस्क एपिटाइट दिस इज मीडियम ठीक है योर रिस्कटाइट इज लो वेरी लो यू विल गो ओनली इन बॉन्ड्स बॉन्ड्स एंड ई एल एस एस जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होती है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है यू कैन गो इन दीज थिंग्स ठीक है ये होता है वेरी लो में बॉन्ड सी एल एस एस मीडियम में आ जाता है आपका लार्ज एंड मिड कैप एंड हाई में आ जाता है आपका स्मॉल कैप एंड मिड कैप दीज कैपर थ्री रिस्क इफ योर रिस्क इज गुड यू हैव अ टाइम फ्रेम ऑफ टेन ईयर बाय ऑल मीन सेलेक्टेड इफ योर रिस्क एपेटाइट इज गुड इसमें मैं आपको बता दूवर टाइम फ्रेम ऑफ टेन ईयर यू कैन इजिली गेट अ सी ए जी आर ऑफ नियरली थर्टी परसेंट ट्वेंटी फोर टू थर्टी परसेंट इजिली मिल जाएगा थर्टी से भी ज्यादा मिल जाएगा लार्ज कैप इंडेक्स विल गेट 18 टू इन दिस जिसमें है इसमें आपको मिलेगा साढ़े सात से बारह इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा पंद्रह मिल से ज्यादा नहीं मिलेगा इसमें अठारह नहीं इनफैक्ट पंद्रह के आसपास मिल जाता है ठीक है पंद्रह के आसपास आपको मिल जाएगा सो बेस्ट इज स्मॉल कैप एंड मिड कैप इसके अलावा ठीक है ये मैंने आपको बता दिया इसके अलावा होता है कुछ फंड्स होते हैं थीम फंड्स होते हैं। जैसे कि अभी मार्केट में थीम क्या चल रही है पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आई विल शो यू दिस पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नेक्स्ट फाइव इयर्स के लिए दिस इज द थीम थीम क्या चल रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर फेड रेट कम करने वाला है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर विल बूम बट येट नाउ वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स वेलफेयर एक्टिविटीज देर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी की अभी आपका इसमें इलेक्शन होने वाला है नेक्स्ट uh, एक साल या दो साल में आपका पंजाब में इलेक्शन है तो फार्मर्स एंड यूपी में इलेक्शन होने वाला है तो यूपी में तो डेफिनेटली बिकॉज एग्रीकल्चरल फील्ड सो एग्रीकल्चरल फील्ड में आप ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा आपका जो भी uh, ये फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स बहुत अच्छे बूम करने वाले हैं अभी वाई रीजन बींग बिकॉज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आपको मिलेगी सब्सिडी इनमें आपको सब्सिडी इंक्रीज होने वाली है बजट में तो इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिएगा इनमें कौन कौन से आते हैं दीपक फर्टिलाइजर आता है एक तो आपका जीएसएफसी आता है ठीक है देन उसके बाद आपका और कौन सा है और आपके तीन चार और है ठीक है फर्टिलाइजर स्टॉक्स का मैंने जो पोर्टफोलियो उसमें वीडियो बनाया था उसमें मैंने काफी कुछ बताया तो बी कीप योर राइट आई ऑन दीज थिंग्स बिकॉज इसमें बहुत सारी सब्सिडी

ये एग्रीकल्चरल बेल्ट में इलेक्शन है तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट सब्सिडी टू द दिस थिंग फर्टिलाइजिंग स्टॉक्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस थिंग ये लोन लोन वेवर वेवर नाउ वुड बी बैड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर सो यू कैन थिंक ऑफ अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल इन्वेस्ट इन ब्लू चिप फंड ठीक है ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करते हैं लोग ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ये आई टी फंड आईटी फंड्स में जो थीमेटिक होते हैं कि ये सिर्फ आईटी के ऊपर फोकस करते हैं उनके ऊपर uh, करते हैं ठीक है सो दीज आर द थीमेटिक फंड्स जो थीम के बेसिस पर करते हैं एज ऑफ नाउ द बेस्ट विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ इज पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आई टी फंड आर द टू विच आर गोइंग बेस्ट या अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज माइक्रो कैप ऑल्सो अभी एक मोतीलाल ने नया निकाला है माइक्रो कैप टू फिफ्टी फंड इज ऑल्सो गुड इफ यूअर इफ यूर रिस्क ये वेरी हाई रिस्क एपेटाइट में चला जाता है लेट मी टेल यू वेरी वेरी हाई इन फैक्ट ठीक है बट येट अगर आपका टाइम फ्रेम दस परसेंट टेन ईयर्स का है फाइव टू टेन ईयर्स का टाइम फ्रेम है दिस कैन जनरेट अ रिटर्न ऑफ मिनिमम फिफ्टी परसेंट सी ए जी आर टू बिकॉज माइक्रो कैप में देर इज अज पॉसिबिलिटी

टू ईयर्स टू ईयर्स जिसमें कि मैंने काफी पहले से एस आई पी थोड़ा बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन आई हैव टू पोर्टफोलियोज आई हैव टोल्ड एवरी वन दैट आई हैव टू पोर्टफोलियोज आई रन टू पोर्टफोलियोज सो दो पोर्टफोलियो में दिस इज वन ऑफ माई पोर्टफोलियो एंड द अदर पोर्टफोलियो इज ऑल्सो माइन सो इसमें से हटाकर मैंने उसमें बीच में रोक दिया था एंड देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग द रीजन वाई आई आई स्टॉप डूइंग एस आई पी इज बिकॉज पहले क्या होता था जो आपका म्यूचुअल फंड की यूनिट से यू कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम योर डी मैट अकाउंट आप डीमेट अकाउंट से उसको डायरेक्टली बाय कर सकते थे बाद में सेबी ने गाइडलाइंस निकाली कि भाई आप डायरेक्ट डीमेट अकाउंट से नहीं बाय करोगे आपका जो बैंक अकाउंट है आप उसके थ्रू ही यूनिट्स बाय कर सकोगे तभी आप उसमें से बाय कर पाओगे सो so, जब तक ये था डीमेट अकाउंट से बाय करना तब मैं हर महीने अपना बाय कर लेता था बट जब ये बैंक अकाउंट का आ गया तो इट बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर मी ठीक है बिकॉज उसमें क्या होगा आपका कैपिटल आपका कैश बैलेंस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए ठीक है सो इश्यूज आई वॉज नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन डीमेट अकाउंट मच इन माई दिस पोर्टफोलियो कॉइन में या फिर म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट कर पाया था ठीक है सो जो थोड़ा बहुत आता था थोड़ा बहुत आई यूज टू इन्वेस्ट अदरवाइज ये रुक गया था बीच में so within two years it was on and off. So I have made a decent uh, profit of nearly about forty eight percent, which is an absolute return. Okay, now we will see ki what are the investment and now I am planning to increase my this twenty one lakh Co. I will be planning to increase to nearly about uh, I do not want to get into the specifics, but I will be going because present government is not giving me uh, much happiness uh, for now.

60% ऑफ द फोकस इज टुअर्स बिल्डिंग ऑफ माई म्यूचुअल फंड कॉर्पस एंड 40% परसेंट टुवर्ड्स माई इक्विटी पोर्टफोलियो ठीक है सो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू राइट नाउ सो नाउ आई विल गो टू द म्यूचुअल फंड्स एंड माय इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आई होल्डिंग राइट नाउके सो यू सी मैंने जब स्टार्ट किया था तो आई हैव डिडेड माई म्यूचुअल फंडस इंटू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो जिसमें कि आपको दिखेगा कि मैंने स्मॉल कैप भी लिया था मैंने एक ICICI प्रोडेंशियल एंड बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज भी लिया था विच इज थे मैंने एक लार्ज कैप भी लिया था एक मिड कैप भी लिया था एक आई भी लिया था सो हैव डिवाइडेड माई रिस्क है कि मैंने small cap भी लिया, uh, small cap, एक small cap, दो इनफैक्ट मेरे पास तीन थे एक का मैंने छोड़ दिया था सो दिस इज हाउ आई है माइक्रो कैप टू फिफ्टी इंडेक्स इसमें अभी मैंने स्टार्ट ही किया इसमें ज्यादा नहीं किया ये इनफैक्ट अभी लॉन्च हुआ है अक्टूबर या दिसंबर में लॉन्च हुआ है देन क्वांट स्मॉल कैप फंड इसको मैंने छोड़ दिया था बिकॉज ऑलरेडी तीन थे तीन थे आइडल इंडिया पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी मैंने तीन या चार महीने पहले ही स्टार्ट किया देन लार्ज एंड मिड कैप देन ई एल एस एस ये मेरा बहुत पुराना चलता आ रहा है सो so इसको मैंने बंद कर दिया है बट कॉर्पस इज देयर सो आई एम जस्ट होल्डिंग इट आई हैव नॉट बुक एनी प्रॉफिट ठीक है सो दीज आर दिंग एंड इसमें आप लोग देखेंगे दिस इज ग्रोथ 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 ठीक ओनली वन इज आई डी सी डब्ल्यू पे आउट ठीक है इसके बारे में हम बाद में आएंगे कि वॉट इज द डिफरेंस बिट्वीन दिस आई डी सी डब्ल्यू पे आउट एंड ये जो होता है uh, इसका मतलब क्या होता है ठीक है सो so, अभी हम क्या करेंगे वी विल गो टूस्ट से या सो वी विल गो फ्रॉम द फर्स्ट ठीक है सबसे पहले आई एल गो टू दिल बीस रोबेको स्मॉल कैम्स ठीक है दिस इज माई एडलविज दिस स्मोल कैप फंड जिसमें कि मैंने अभी तक इतना इन्वेस्ट करा एंड दिस इज दफ यूनिट मी एंड लुक एट दिस माई एवरेज इज ट्वेंटी डिस्कस किया था कि अगर आपने थर्टी पर बाय कराया सेवेंटी uh, अगर आपको एक करोड़ का हो गया सो यू विल गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोफिट ऑन एवरी मंथ बेसिस ठीक है आपको सॉरी इयरली बेसिस पे यूल गेट अ गुड प्रॉफिट इन दैट सो वॉट इज है

दिस इज द फंड दिस इज दुबे को स्मोल कैप फंड इसका जो करेंट एन एट इज फोर्टी सी ए जी आर एक साल में इसने दियातालीस परसेंट का मैं पांच साल का देखता हूं पांच साल का सीएजी थर्टी वन परसेंट चार साल का सीएजीआर फोर्टी फोर परसेंट तीन साल का सीएजीआर ट्वेंटी सेवन परसेंट ठीक है सो फाइव इी आर इज थर्टी वन परसेंट विच इज वेरी वेरी गुड इट मीन एवरी टू ईयर्स टू टू पॉइंट फाइव कैपिटल तो इसका मतलब उसने हर साल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इकतीस परसेंट दिया है यानी उस बंदे का हर दो साल पे कैपिटल डबल हुआ है यानी कि जिस बंदे ने पांच साल पहले इन्वेस्ट करा था उसका एक लाख चार साल के बाद ऑलरेडी चार लाख हो चुका है एंड अभी उसका आराम से पांच के आसपास कैपिटल चल रहा है ठीक है सो ये था आपका ठीक है सो दिस इज वॉट इट इज सेंट सी लुक एट दिस एनी मैं आप लोग बोलेंगे सर कोविड पे तो बहुत कम था देखिए आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए तेरह फरवरी को दस था ठीक ठीक है। है। ना कि जब नीचे आ जाएगा एने भी तब ले लेंगे। तारीख uh, फरवरी को it was nearly about 11 That was the highest. उसके बाद COVID आया मार्केट में तबाही मच गई। एवरीथिंग वेंट डाउन फेल सब कुछ हो गया दिस फेल फ्रॉम इलेवन ओनली टिल सेवन पॉइंट थ्री थ्री थर्टी परसेंट का ही फॉल आया इसके अंदर ज्यादा नहीं आया जबकि स्टॉक्स में कितना फॉल आया था सर इट वॉज ह्यूज ठीक है 200 200 परसेंट मतलब 200 तो नहीं ऑफ कोर्स मतलब 80 80 90 90 परसेंट तक स्टॉक्स uh, जो हैं वो करेक्ट हो गए थे लोगों का पोर्टफोलियो 80 90 परसेंट तक करेक्ट हो गए थे इसमें कितना आया हार्डली 30 परसेंट का एंड फ्रॉम देयर विद इन थ्री मंथ्स मार्च में इतना था विद इन थ्री मंथ्स अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त चार मार्च चार महीने में इट रीगेन्ड इट्स हाइट्स फ्रॉम देयर इट नेवर स्टॉप्ड 26 से नीचे आया 23 तक कितना अप्रैल 22 से जून जुलाई तक चार पांच महीने डाउन रहा फिर दोबारा इट एज रिगेन्ड इट स्टॉप एंड इट इज कंटिन्यूसली गोइंग अप सो इफ गोइंगबडी कैन यू टाइम द म्यूचुअल फंड आंसर इज बिग नो कैपिटल अंडरलाइन इटैलिक वॉट एवर यू टू डू डू यू जस्ट कैन नॉट टाइम इफ यू वॉन्ट टू डू बल्क चॉइस इज yours. You will start getting CAGR from the very first day you do bulk investment. if you do sips you will get cagr uh, you will uh, ye aapko cagr milega once after one year because ek saal tak aapka xirr rahega extended internal rate of return ki aapko exact aapne investment pe kitna profit ho raha hai theek hai so that is the thing so and yeah, people say कि भाई हम lowest of the market पे पैसा लगाएंगे या फिर जब गिर जाएगा तब लगाएंगे This concept is wrong. Just म्यूचुअल फंड्स में जाइए अपनी एक एस बांधिए जिस महीने की बांधनी है बांधिए एंड जस्ट गेट ऑन विद इट योर टारगेट शुड बी वन करोड़ कॉर्पस एज अर्ली एज पॉसिबल उसके एक साल एक करोड़ जिस दिन हो जाएगा ना सर आपके म्यूचुअल फंड में उसके तीन साल के बाद यू विल रियलाइज कि हर साल आपका कॉर्पस डबल हो रहा है इफ यू डू नॉट टेक आउट मनी आउट ऑफ इट

आप तीस लाख हर महीने निकालते रहिए ठीक है थेके? हर साल नॉट हर, हर महीने इट बी टू मच हर साल आप निकालिए अपना खर्चा करिए या फिर जितना चाहिए केवल उतना निकालिए बाकी रहने दीजिए सो दैट आपको जैसे मान लीजिए आपका वन करोड़ से वन करोड़ थर्टी लाख आपको तीस हो चुका है

रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड आई डिड नॉट गेट द एग्जैक्ट थिंग कि यार मैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट करूं कैसे कि क्या पढ़ू मैं म्यूचुअल फंड के बारे में सो so, uh, मैंने खुद से स्टडीज करी खुद से पढ़ा दुनिया भर की बुकें पढ़ी सो आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट सिंगल यूट्यूब वीडियो विच कैन टेल मी कि भाई करना क्या है द रीजन बीइ बिकॉज द सो कॉल्ड यूट्यूबर्स सो कॉल्ड ट्रेडर यूट्यूबर्स दे वॉन्ट टू ट्रैप यू इन स्टूपेट आर एस आई काइंड ऑफ स्ट्रैटी स्टक रहे एंड ऑप्शन बाय करते रहे ठीक है एंड देन यू रिमेन विद इन दैट एरिया ओनली और लॉस कराते रहे आपको कभी भी एक इस टाइप का स्ट्रैटेजी या इस टाइप का आपको नहीं मिलेगा कहीं यूट्यूब पर बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड इट ठीक है सो दैट इज वाई आई थॉट कि आई शुड टीच यू आई शुड टेल यू की दिस में हेल्प यू पीपल ठीक है सो द थिंग इज की What all things you have to see, you have seen the current nav key by what is the net asset value which is going on? It is 40. Can you time the market? No, the moment you have decided that yes, you are planning to invest in mutual funds, SIP, go on by all means, start doing that from the first of every month. Pick a date and start doing it. CAGR compound annual growth rate over a period of how much? Five years, 31%. It is more than enough. So, your time frame should become five years. कि भाई इस फंड में अगर मुझे आना है मुझे इतना कंपाउंड रेट चाहिए तो आई विल गो फॉर फाइव इन एंड रिमेंबर वन थिंग डोंट डोंट डों टू यूर सेल्फ एंड कि भैया एक साल में तो 40 परसेंट है तुम तो मुझे तो 40 परसेंट मिल जाएगा मैंने आपको पहले ही बताया एक साल में कभी भी सीएजीआर को काउंट नहीं करते वो एक्स आई आर आर होता है उसको काउंट करते हैं दो साल पे यस यू कैन थिंक ऑफ बट दो साल पे देखिए कितना फर्क आ गया तीन साल पे सत्ताइस सा आ गया एंड चार साल पे फिर भी चौवालीस दिखा रहा है इट इज गुड तो एटलीस्ट यू हैव टू

ट व मिनिम इन्वेस्टमेंट पांच हजार का एस आई पी तो है्यूज जो बंदा दस हजार करोड़ मार्केट में लगा रखा है

ये दिखाता है दिस थिंग ठीक है या इफ रिडीम स्विच आउट विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट निल इफ रिडीम स्विच आउट आफ्टर वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट एक परसेंट अगर आप एक साल से पहले विद्रॉ कर लेंगे जो आपने अगर मान लीजिए पांच हजार इन्वेस्ट किया एक साल से पहले विड्रॉ कर लेंगे तो एक परसेंट जाएगा एक साल के बाद करेंगे तो निल जरूरी नहीं ये सबका एक परसेंट है ये आप लोग देख लीजिएगा बिकॉज कई होते हैं उनका फिफ्टीन डेज होता है कई होते हैं उनका थर्टी डेज होता है कई होते हैं उनका 90 डेज होता है क्वार्टर क्वार्टर के लिए होता है कुछ का होता है वन एट्टी डेज सो इट वेरीज इट वेरीज विद द डिफरेंट वो आई है दिस स्मॉल कैप फंड एज एन एग्जाम्पल ओनली सो डो नॉट थिंक दैट दिस इज दी स्मॉल कैप फंड यू हैव टू फाइंड आउट यूर ओन स्मॉल कैप फंड और अदर फंड यू वॉन्ट इन वट इज द एक्सपेंस रेशियो एक्सपेंस रेशियो में भी आपको दिखाएगा दिस इज द एक्सपेंस दिस इज इज चार्ज बाय म्यूचुअल फंड ये म्यूचुअल फंड हाँ आप इस पर जाएंगे तो आपको ये बता देगा कि भाई कितना आपको चार्ज पड़ेगा दिस इज बेसिकली द चार्ज हाउ मच म्यूचुअल फंड चार्जेस फॉर मेंटेनिंग योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फॉर मेंटेनिंग दिसर में नहीं है ये हम जैसे हजारों लाखों ने इन्वेस्ट कर रखा है ये उन सब का पैसा है तो दिस इज दउंट दैट अ पोर्टफोलियो मैनेजर और द कंपनी जो की कैनरा रोपो का इस केस में है दिस चार्जेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस एक साल के लिए हर बंदे से दिस इज वॉट इट मीन सो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया इसमें आपको कंपेयर करना है तो आप कंपेयर करके किसी और के साथ कर सकते हैं मैंने मैक्स किया हुआ है अदरवाइज यू कैन गो टू ईयर वन ईयर सिक्स मंथ थ्री मंथ ठीक है आप देखेंगे ये कभी भी इतना नहीं जा रहा है ये जा रहा है तो नीचे थोड़ा बहुत जाएगा चार मार्च को थर्टी था तेरह मार्च तक तीन दिन में तीन पॉइंट ही गिरा देन

स्मॉल कैप में सेम थिंग आप देखते जाइए इसमें भी आई एम गेटिंग थर्टी टू परसेंट एक्स आई आर आर फोर्टीट का मेरा सो या इसका हम देखते हैं इसमें भी हाँ इसमें आपको पूरे टेन ईयर्स का मिल जाएगा इसमें मैंने मैक्स टच करा रखा है सो यू विल सी दिस सी दिस इसमें करंट एनिवी इज प्रेजेंटली वन एट्टी नाइन जो कि कल से ए वन पॉइंट सिक्स फोर फोर्टी परसेंट एक साल का है लेकिन ठीक है एक साल का हम काउंट नहीं करते दो का थर्टी है तीन साल का ट्वेंटी थ्री है चार साल का थर्टी एट है वाओ अमेजिंग पांच साल का ट्वेंटी सेवन so, सो उसमें आपने देखा था थर्टी परसेंट था दैट वॉज ऑल्सो स्मॉल कैप इसका भी स्मॉल कैप है सो so, जो हमारा टारगेट है ट्वेंटी फोर टू थर्टी परसेंट ऑल दीज आर द रिस्की थिंग्स ठीक है ये सारे के सारे रिस्क जो है रिस्क है ठीक है, इज वॉट इट इज तो ट्वेंटी फोर टू थर्टी परसेंट यू विल गेट ओवर में स्टार्ट था, इसका रुपए, बारह है। 18 से 17 से इसने थोड़ा सा कम रिटर्न दिया था 18 से 20 तक इट गेव अतलब मतलब 65 से 48 तक चला गया था बट दिस इज द पीरियड वेयर पीपल डू एसआईपी सो इस पीरियड में अगर आप बल्क डाल देंगे तो देयर देअ प्रॉब्लम बट अगर आप एस आई पीस करेंगे तो इट विल नॉट डेंट योर इन्वेस्टमेंट स्ट्राटेजी आपने इस पॉइंट पर बल्क डाला तो आपको तीन साल तक के लिए नेगेटिव रिटर्न्स देखने पड़ेंगे बट आफ्टर दैट इट विल किक इन आपका जो कॉर्पस है विल गिव यू ह्यूज प्रॉफिट बट अगर आप continuous SIP करते तो यू विल बी गेटिंग बेनिफिटेड फॉर दिस एरिया कि आपने हाई पर बाय करा फिर लो पर बाय फिर लो पर बाय लो पर बाय लो पर बाय लो पर बाय सो दिस वॉज हाई दिस वॉज लो योर एवरेज एस आई पी वैल्यू वुड कम Over here. So, आपका कॉर्पस अच्छा खासा इस एनवी रेट पर इकट्ठा हो जाएगा सो यू कैन सी अम्प इन दिसरली अब ग्यारह बारह था इन टू थाउजेंडीड एंड एटीजेंड परसेंट नहीं थाउजेंड नहीं mm. yeah. दिया थाउजेंड से भी ज्यादा इन फैक्ट ये, दस साल का शोइंग बट आई एम श्योर दस साल का सीएजीआर बी मोर देन थर्टी टू फोर्टी परसेंट होगा आई एम श्योर थर्टी फाइव टू फोर्टी परसेंट का टेन इयर्स का सीएजी गेट पांच साल का यू आर गेटिंग सत्ताइस 50% का होगा सीएजीआर इन दिस बिकॉज सी दिस कॉर्पस एज गॉन फ्रॉम ट्वेल्व रुपीज टू

एक्सपेंस रेशियो जीरो पॉइंट सिक्स सेवन उसका जीरो पॉइंट फोर फाइव था जीरो पॉइंट सिक्स सेवन लेकिन अगर आप ज्यादा इनवेस्ट करें तो जीरो पॉइंट सिक्स सेवन इज नॉट मच ठीक है जो एक्सपेंस रेशियो की एवरेज वैल्यू होती है दैट इज नियर अब जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव सेवन फाइव परसेंट तक अगर है तो इट मीन्स अ गुड एक परसेंट से अगर किसी का ज्यादा है ये एक्सपेंस रेशियो देन देर इज अश्यू ठीक है तब यू कैन थिंक कि क्या होता है ठीक है

टेन 100 टाइम्स uh, मतलब 10x, 10x. आपका इसने कैपिटल डबल कर दिया है लेकिन सी एजीआर इसमें अभी हम देखेंगे कितना है इसने आपको टेन टाइम्स से ज्यादा ट्वेंटी एक्स के आसपास का इजिली आपको इसने दे दिया ट्वेंटी से भी ज्यादा सो स्मॉल कैप में आपका अगर रिस्क एपेटाइट ज्यादा बढ़ जाता है तो आपका चीजें बहुत अच्छा हो जाता है ठीक है इसमें देखिए चार साल का सीएजीआर इतना अच्छा है बिकॉज अभी लास्ट ईयर से काफी अच्छा बैंक निफ्टी बढ़ा है ये पांच साल में कम इसलिए दिखा रहा है बिकॉज इसमें कोविड का टाइम भी इंक्लूडेड है जिसमें कि ये वाला फॉल आया था ठीक है वंस ये वाला फॉल निकल जाएगा तब आपका पांच साल का सीएजीआर विड बी मोर देन एटीन ठीक है ये चीज ध्यान दीजिएगा एसेट अंडर मेंटेनेंस एन फोर एटू थी इसमें एक्सपेंस रेशियो इज मोर देन वन परसेंट ठीक है बिकॉज इट इज थेमेटिक इसमें इसलिए थोड़ा ज्यादा है ठीक है सो दैट इज द थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज एक्सेस मिड कैप फंड मिड कैप फंड में फिफ्टी फोर परसेंट ये देखिए स्मॉल कैप एंड कैप मिड कैप इज ऑल्सो रिस्की इसमें का का ठीक है, लेट सी दिस इसमें कितना है दस साल में ट्वेल्व पॉइंट से ट्वेल्व एन से एक सौ आठ दिस ऑल्सो गिवन मी मोर देन टेन परसेंट सी एक साल का फोर्टी थ्री फाइव का फोर सो

ठीक है इक्विटीज में पीपल लूज आल्सो गेन आल्सो बट म्यूचुअल फंड्स में देर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेन या दिस वन इज टाटा डिजिटल इंडिया फंड दिस इज आल्सो अ वेरी गुड फंड दिस इज थीमेटिक सेक्टर थीमेटिक आईटी थीम के ऊपर है दिस इज आल्सो गुड देर आर मेनी अदर थीमेटिक थीम्स में बहुत ज्यादा है उसमें आप देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो आ, ये जो थेमेटिक सेक्टर्स होते हैं इसमें क्या होता है ये जो लार्ज कैप है उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर देते हैं एंड एंड स्मॉल कैप कैप मिड आईटी सेक्टर जो होंगे उनके ऊपर कम शेयर डालेंगे सो यू कैन डिवाइज देन लार्ज कैप तो जिस आई फंड ने स्मॉल कैप और मिड कैप को ज्यादा वेटेज दे रखा होगा यू कैन गो इन टू दैट उसमें थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइल ज्यादा बन जाएगा बट इफ यू हैव अ टाइम फ्रेम ऑफ फाइव टू टेन ईयर यू कैन ईजीली फोकस ऑन दैट सो दिस इज हाउ यू कैन अचीव दिस थिंग्स ओके इसमें मेरे को एक्स आई आर आर एब्सोल्यूट रिटर्न इज थर्टी एट एक्स आई आर आर इज ट्वेंटी थ्री परसेंट ठीक है सो लेट सी दिस ऑल्सो दिस गॉट लॉन्च एट टेन रुपीज इन टू थाउजेंड सिक्सटीन सो नियरली अबाउट एट ईयर्स एट ईयर्स में फोर्टी एट एन एवी इसका ऑलरेडी जा चुका है मोर देन थ्री टाइम्स पांच साल में इट इज थर्टी फाइव परसेंट थ्री ईयर्स में सेवेंटी टू ईयर्सेंट हाँ ये तीन साल में सेवेंटीन परसेंट आपको इसलिए दिखा रहा है बिकॉज आईटी सेक्टर अभी कुछ टाइम से पिछले दो साल से फ्रॉम पास टू ईयर्स आई सेक्टर जो है वो थोड़ा सा डाउन चल रहा है ठीक है आई सेक्टर इज डाउन फ्रॉम पास टू ई सो फोकस ऑन दैट ठीक है दीज आर दिंग्स फोकस ऑन फाइव टू फाइव इन मिनिमम एंड टेन ईयर तक आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए बिकॉज दो या तीन साल का जो ड्रॉडाउन पीरियड होता है वो एस आई पीज के थ्रू इजीली एडजस्ट हो जाता है सो दैट इज वायस आई पीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उस ड्रॉडाउन में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली सो दैट इज वॉट

पंद्रह uh, यानी कि फिफ्टी परसेंट का विद इन वन ईयर इट इज ऑलरेडी गिवन रिटर्न्स ठीक है एक साल का सीएजीआर अभी काउंट नहीं कर सकते हैं सॉरी टाइम फ्रेम ऑफ मिनिमम टेन ईयर्स फाइव इयर्स दिस कैटेगरी फॉल्स इंटू अ वेरी 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 रिस्की ठीक है हाई रिस्क uh, uh, में चला जाता है इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स पढ़नी है तो इसमें आपको यहाँ पर डिटेल्स भी मिल जाएंगे यहां पर आपको इसके एलोकेशंस या मैंने आपको इसके एलोकेशंस के बारे में नहीं बताया इसमें लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है ये रिस्क जो इन्वॉल्व है दिस इज वेरी हाई रिस्क ठीक है दिस इज द फंड मैनेजर इसमें एलोकेशंस जो है ये है इसमें आप सेक्टर्स भी देख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में इसने इन्वेस्ट करा आप इसमें डिटेल में जाएंगे तो आप इसके स्टॉक्स भी देख सकते हैं दीज आर द स्टॉक्स कि किस किस स्टॉक्स में कर रहा है या काफी लोग क्या करते हैं काफी लोग म्यूचुअल फंड्स को फॉलो करते हैं म्यूचुअल फंड्स जिन स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं दे ट्राई टू रेप्लीकेट अ म्यूचुअल फंड वो उस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स को रेप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं सो दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी दैट म्यूचुअल फंड्स ने जहां इन्वेस्ट करा आप वहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं आप कहीं और नहीं जा रहे हैं बेसिकली इफ यू फाइंड आउट इन ये सारे बैंक हैं ये सारे दिस uh, थिंग है स्टॉक्स हैं इन सारे स्टॉक्स में अगर आप देखें तो ये सारे स्टॉक्स आपको अगर किसी फेयर वैल्यू पर मिल जाते हैं एज पर चार्ट पैटर्न सो दैट वुड बी द राइट टाइम टू पिक दीज स्टॉक्स बिकॉज स्टॉक्स मेड अ पोर्टफोलियो ऑफ अ म्यूचुअल फंड सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट गुड स्टॉक्स एज वेल कि कौन से सेक्टर में मैक्सिमम लगा रखा है इंडस्ट्रियल्स में लगा रखा है इंडस्ट्रियल में क्या चल रहा है सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द सेक्टर्स ऑल्सो कि म्यूचुअल फंड कौन से सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप में आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई कौन से सेक्टर के ऊपर यू हैव टू फोकस ठीक है इसमें आपको देखिए कौन सा सेक्टर है इसमें इसने कंज्यूमर्स के ऊपर कंजम्पशन जो थीम है उसके ऊपर डाला इंडस्ट्रियल्स में सेवेंटीन पॉइंट सिक्स फोर सो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप माइक्रो कैप ने भी इंडस्ट्रियल में डाला था इसने भी इस इंडस्ट्रियल में डाला है सो फॉर मी इंडस्ट्रियल कैप जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इंडस्ट्री सेक्टर जो है दैट इज कमिंग अ गुड सेक्टर फॉर मी राइट नाउ व्हाट आर दीज सेक्टर्स दीज सेक्टर्स कैन बी कम्प्राइज ऑफ भेल

हंड्रेड परसेंट का सीएजीआर नॉट हंड्रेड परसेंट का uh, मुझे फिफ्टी परसेंट का सीएजीआर मिला बिकॉज एब्सोल्यूट रिटर्न दो साल का हंड्रेड परसेंट है तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया साढ़े सात हजार हो गया आई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ढाई हजार ठीक है साढ़े सात हजार पे दोबारा से मुझे फिफ्टी परसेंट मिला तो मेरे को दस हजार के दस हजार तीन सौ के आसपास का मेरे को रिटर्न मिल गया सो माई एब्सोल्यूट रिटर्न बिकम्स हंड्रेड एंड सेवन परसेंट जो कि मेरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ये था माय माय दिस बन गया, मेरा जो हजार का माई सी एरेंट इजम्स दस हजार तीन सौ है इसमें वो प्रॉफिट भी है जो इस ढाई हजार के ऊपर लगा हुआ है ये ढाई हजार कहां से आया ये फिफ्टी परसेंट जब मैंने इसके ऊपर लगाया था ये प्रॉफिट इकट्ठा हुआ था ढाई हजार

इसमें पांच साल का सीएजीआर बीस परसेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था लार्ज कैप में जो होता है हमारा टू यहां पर रिस्क वेरी हाई दिखा रहा है बट सिंस इट इज मिड कैप इसलिए वेरी हाई दिखा रहा है अगर लार्ज कैप होता तो इसमें वेरी हाई नहीं दिखाता सेक्टर्स देखिए सेक्टर्स में इसमें कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल जो कि माइक्रो कैप ने भी लिया है एंड स्मॉल कैप ने भी लिया है सो so, अगर आप सारे म्यूचुअल फंड्स को डिवाइस करें तो यू कैन मेक आउट व्हाई इट हैज टेकन इन बिकॉज लार्ज कैप में ना फाइनेंस के काफी सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि एच बैंक है आपका आईसीआईसीआई बैंक है देन आपका कोटेक बैंक है देन आपका एस है देन ये एक्सिस बैंक है ये पांच बैंक्स हैं जो आपके फाइनेंशियल्स के लार्ज कैप सेक्टर्स में आते हैं सो so इसलिए उसने फाइनेंशियल्स लिया हुआ है लेकिन अगर आप क्लब करें चीजों को तो यू कैन मेक आउट कि भाई जो कंज्यूमर कंजम्पशन वाले स्टॉक्स हैं एंड इंडस्ट्रियल स्टॉक्स हैं इनके ऊपर लार्ज कैप ने भी वेटेज दे रखा है लार्ज कैप म्यूचुअल ने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने भी वेटेज दे रखा है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मिड कैप फंडस हैं एंड इनफैक्ट माइक्रो कैप है माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड्स ने भी वेटेज दे रखा है सो व्हाट यू कैन डिवाइस अगर आपने 10 म्यूचुअल फंड्स देखे उस 10 म्यूचुअल फंड्स में यू कैन मेक आउट कि भैया कंज्यूमर कंजम्पशन ये कंज्यूमर डेस्टिनेशन कंजम्पशन ओरिएंटेड फंड्स जो हैं एंड इंडस्ट्रियल फंड्स जो फंड इंडस्ट्रियल स्टॉक्स जो है इक्विटीज इनके ऊपर मेजर फोकस है तो अगर आपको मार्केट में सेक्टर आइडेंटिफाई करना है तो आप सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द सेक्टर कि म्यूचुअल फंड्स कौन से सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं

3,000 वन ईयर फाइव इयर का देखेंगे 31%, जो हमारा 24 तो 30 है साल साल ये सो इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड इट दैट इज फॉर श्योर ठीक है बट या निपोन इंडिया पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडार से दिस राइज, जब लोगों को पता चला कि भाई मेजर फोकस गवर्नमेंट का पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आने वाला है सो दे है दो तीन बार इन्वेस्ट करा जस्ट टू सी वेदर इट इज गिविंग मी रिटर्न और नॉट

कि uh, हम जो है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे एंड इफ वी हैव टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड देन वी हैव टू फोकस मेजरली ऑन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है इसके ऊपर ही बन सकते हैं अदरवाइज नहीं बन सकते सो आई एम नॉट सेइंग दिस इज द बेस्ट देयर आर मेनी अदर पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक दिस इज अ फंड ठीक है ये होता है अच्छा इसमें मैंने आप लोगों ना एक चीज नहीं बताई है वट इज दिस डायरेक्ट एंड ग्रोथ डायरेक्ट एंड ग्रोथ क्या होता है कि कुछ होते हैं एक होता है आपका आई डी सब आई डी सी डब्ल्यू पे आउट विच इज कॉल्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विद्रॉल ठीक है ये होता है और एक होता है आपका ग्रोथ फंड्स डायरेक्ट फंड्स व्हाट इज हैपनिंग कि मान लीजिए आपने फर्स्ट मंथ में एक साल में एक लाख रुपए आपने लगाया उसमें थर्टी परसेंट का प्रॉफिट मिला आपको वन पॉइंट थ्री लाख हो गया नेक्स्ट ईयर आपका जो मार्केट में लगाया जाएगा सेकेंड ईयर में वो आपको वन लाख लगेगा सो दैट यू कैन सी सी ए इजीली ये होता है ग्रोथ बेसिकली जो जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो आपका प्रॉफिट इसमें डालता जा रहा है डालता जा रहा है आपका प्रॉफिट कंटिन्यूसली निकाल निकाल नहीं रहा ठीक है तो ये आपको इट इज नॉट पेइंग यू बैक जो आपका पैसा आपका प्रॉफिट है इट इज री इन्वेस्टिंग योर मनी आईडी डब्ल्यू में क्या होता है आई डब्ल्यू में मैक्सिमम काफी सारे स्टॉक्स जो होते हैं डिविडेंड्स बेस्ड एंड बॉन्ड्स बेस्ड होते हैं यानी कि आपको फिक्स रिटर्न भी देंगे आपको यानी कि आपको मतलब इट इज कैपिटल विदड्रॉल काइंड ऑफ थिंग मतलब आपको डिविडेंड मिलता रहेगा मान लीजिए आपके पास सौ यूनिट है एंड आई डी सी डब्ल्यू म्यूचुअल फंड हाउस ने बोल दिया कि वही वन रुपीस पर पे आपको डिविडेंड मिल जाएगा तो आपको हंड्रेड रुपीज का डिविडेंड आपके अकाउंट में आता रहेगा नॉट गेट एनीथिंग इन योर अकाउंट वॉट एवर द मनी दैट इज कमिंग टू यूटेट बी अ डिविडेंट और लेटेट बी अ प्रॉफिट बुक ऑन योर एनिवीज दैट एंटायर मनी वुल की

ठीक है इसमें क्या है इंटरम इंटरम मतलब क्वार्टरली भी हो सकता है ये मंथली भी भी हो हो when, हो सकता 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 है interim, है 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 या या एज एंड इट इट इज गोइंग टू तब ईयरली ठीक यान इंटरिम इक्विटी लिंक्ड स्कीम है दीज आर ऑल इक्विटी लिंक्ड स्कीम बॉन्ड्स नहीं है ये ई एल एस एस है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इसमें आपको टैक्स रिबेट भी मिल जाता है जो ये ई टैक्स सेवर फंड होते हैं इसमें दिखाता हूं मैं आपको जिसका कि मैंने बताया था ये आपको साढ़े सात से केवल आ, पचास परसेंट इसमें एक्स आई आर आर एस चौदह परसेंट यानी मेरे इन्वेस्टेड रिटर्न पे पर है ना मुझे सिर्फ चौदह परसेंट मिल रहा है ओवरऑल सिक्सटी परसेंट मिला है इसमें मैंने बंद कर दिया है इन्वेस्ट करना आई डू नॉट इन्वेस्ट मोर इन दिस द डे आई रियलाइज की भैया दिस इज द प्रॉब्लम विच इजनिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में ही आई स्टॉप इट आफ्टर दैट आई हैव नेवर इट आई स्टार्टेड मैंने स्टार्ट किया था टू थाउजेंड नाइनटीन में जब मुझे कोई नॉलेज नहीं थी ठीक है अगर आप इसमें भी देखें तो 74 सेवेंटी फोर से दो हजार तेरह से दस साल ये भी कर चुका है लेकिन इसका अगर आप पांच साल का सी देखेंगे तो इट इज वेरी लेस चार साल का देखेंगे नाइनटीन परसेंट तीन साल का बारह परसेंट दो साल में अभी मार्केट बहुत ऊपर बढ़ा है एक साल में इनफैक्ट इसलिए इसने इतना दिया है अदरवाइज पांच साल जो कि हमारा टारगेट था कि साढ़े सात से केवल बारह साल तक ये जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिनका की रिस्क प्रोफाइल जो होता है काफी लो होता है इसमें वेरी हाई दिखा रहा है बट ये ई और टैक्स सेवर जो होते हैं या बॉन्ड्स होते हैं उनका रिस्क प्रोफाइल कम होता है बेसिकली अगर आप इक्विटी लिंक्ड ले रहे हैं इफ दीज आर इक्विटी लिंक्ड तो आपको रिस्क प्रोफाइल वेरी हाई दिखाएगा अदरवाइज माइक्रो कैप का वेरी 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 हाई होता है स्मॉल कैप मिड कैप का वेरी हाई और वेरी हाई वेरी वेरी हाई या वेरी हाई एंड लार्ज कैप जो मिड कैप जो होते हैं उनका वेरी हाई लार्ज कैप का नॉर्मल हाई इतना ज्यादा नहीं होता ठीक है एंड बॉन्ड्स एंड ई जो होते हैं इनका लो होता है so seven point five to twelve percent you can expect the returns in this. So this is what uh, the different type of uh, mutual funds are, and that is how you can identify uh, putting uh, selecting in mutual funds. I am not saying that you have to select these only. I am not by all means. I am not recommending thing. This is a disclaimer. I am not a SEBI registered IA or RA It is just that I am trying to give you the knowledge uh, at.

वी कैन थिंक ऑफ कि इसमें से आपका थर्टी परसेंट अगर आपका रिस्क है थर्टी परसेंट म्यूचुअल होंगे वो आपके स्मॉल कैप या मिड कैप में आ सकते हैं ठीक है इसमें से आपका जो फिफ्टी uh, परसेंट होंगे वो आपके लार्ज कैप में जा सकते हैं देन उसके बाद जो आपके ट्वेंटी परसेंट होंगे या आपके बॉन्ड्स में या जो आपके बॉन्ड्स ई या आपके गोल्ड बॉन्ड्स भी होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स होते हैं देर आर एन नंबर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आप इसी में कॉइन में सर्च मारेंगे यू विल गेट इट एंजल में भी सिमिलर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स का है उसमें भी यू कैन फाइंड आउट सो दे आर एन नंबर ऑफ वेज एंड मीनस इन ईच एंड एवरी ब्रोकरेज हाउस विच गिवस सो यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स को फोकस करते हैं दे गिव अ फिक्स रिटर्न ट्वेंटी परसेंट ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड भी एलोकेटेड इन दिस सो इफ यू आस्क मी आउट ऑफ टेन योर दिस थिंग शुड बी थ्री दिस थिंग शुड भी फाइव एंड टू म्यूचुअल फंड शुड हैव